शेर सुनाता हूँ भाई, शेर सुनिए इरशाद इरशाद जी। क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे। तो दिया ही क्यों था, जब लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे, छोड़ ये रोज की किल किल, मुझे वापस कर दे। भाई जिंदगी आसान बना भाई, वापस कर दे, क्यों इतनी टेंशन लगाई नहीं तो वैसे आपने दिया क्यों था, मतलब काम देखे पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो ना, फिर बोलो। बिल्कुल तो बिल्कुल दे दिया आपने, अब आप वापस मांग रहे हैं। वो मैंने दिया है लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई ये सही जगह नहीं है, ये घाटे का सौदा है, ये तो अपना सामान चला गया। तो लेकिन ये शेर जो है ये पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त मारूफ शायर का है, और ये वो शायर है कि जो के माशरे में कह कहे बिखेरते हैं, और जाहिर है जो कह कहे बिखेर रहा होता है, नेमत है भाई ये आजकल के दौर में, तो वैसे एक नेमत है जी। और लोग जाहिर है अपने मसाइल भूल जाते हैं इनकी बातें सुनकर, इनकी शायरी सुनकर। पाकिस्तान के मारूफ शायर जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब का ये शेर है, और सैयद सलमान गिलानी साहब जो हैं वो बेसिकली एक शायराना ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जनाब अमीन गिलानी साहब वो भी बड़े मशहूर शुरा में शामिल थे, और वालिद साहब की कुर्बत और तरबियत जो है उसने फिर इनका भी अंदर का शायर बेदार किया। और इब्तदाई तालीम इन्होंने शेखुपुरा से हासिल की, शायरी भी कम उम्र में शुरू कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया। फिर बहरहाल उसके बाद तो फिर पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर अवार्ड्स भाई अवार्ड्स हासिल किए इन्होंने, बड़े जान समझे जाते हैं मुशायरों की, और बड़ी मुनफरिद बड़ी मजाहिया शायरी कह कहे बुलंद कर देती है लोगों की। और आज हमारे साथ जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुजूर मन, किबला मन, काबा मन। सर बहुत बहुत जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, अल्लाह का शुक्र है। और जाहिर है हम तो ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो नाजरीन हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी आमद हो गई है प्रोग्राम में। सर ये शायरी का जो सिलसिला है, जैसा मैंने जिक्र किया आपके वालिद साहब भी शायर थे, तो ये उन्हीं से आ रहा है सिलसिला, या इससे पहले भी खानदान में मजीद और भी शोरा थे? जो मेरी होश में है वो तो मेरे वालिद साहब ही हैं, बाकी मेरे तायों में कोई शायर नहीं था। दादा हमारे सख्त खिलाफ थे शायरी के, वो पुलिस में थे हिंदुस्तान में अंग्रेज के दौर में, थानेदार थे, और वो सख्त सख्त नापसंद करते थे शेर व शायरी। लेकिन हमारे ख़ानदान में बाज़ बुजुर्ग ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे शायर भी थे, और अच्छे क्या कहते हैं अदीब भी थे, अच्छे फसाना नगार भी थे। ये जो मिंटो साहब हैं ये भी हमारे अजीज़ों में से थे, और उधर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी जो अमीर शरीर कहलाते थे, खतीब उन जैसा कोई नहीं आया, हाँ जी उन जैसा खतीब कोई नहीं आया उसने पिछले 100 साल और उसके बाद भी अभी तक, तो ये इन लोगों ने उनकी तरबियत की थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सादात तो ये आपके वालिद साहब ने फिर अलग बगावत बुलंद किया, तो उनको तो फिर बड़े हाँ जी पापा जौला रहे, पापा जिंदा रहे बड़ा मतलब है कि काफी कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त की, जलावतनी अख्तियार की, नजरबंदियां झेली माशाल्लाह। इनकलाबी शायर थे लेकिन बेसिकली वो गजल के ही शायर थे, इन ऑल इंडिया मुशायरों में ऑल इंडिया रेडियो पढ़ते रहे हैं, और फिर फिल्मों में भी कुछ गाने वाने लिखे थे शुरू में शकील बदायूनी के साथ और साहिर के साथ मतलब के, और उनके बड़े मशहूर गुलकारों ने गालम गाने गाए भी थे उनके, कुछ शमशाद बेगम ने, मुकेश ने। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक के हंगामों में फिर फिल्में नजर हो गई जी। और कैसे हैं आप, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप फिर मज़ाहिया शायरी की तरफ कैसे आ गए? वही ये फर्क शायरी का, आपके वालिद साहब की शायरी और आपकी शायरी में कैसे फिर ये दोनों में फर्क पैदा हो गया, मतलब आपने उन्हीं का स्टाइल नहीं फॉलो किया, अपना स्टाइल बनाया? ये हाँ जी देखें, तकसीम से पहले की शायरी और शायरी थी, मज़ाहमती शायरी ज्यादा होती थी, उसके बाद गजल में भी जो गुल बुलबुल का रंग था वो भी निकल के तो मज़ाहमती अदब इख्तियार कर गया, और उसमें मज़ामीन करंट अफेयर्स के हवाले से भी आने शुरू हो गए, फिर माशरे की इस्लाह के मौजूआत आने शुरू हो गए, फिर उसमें अगर किसी के अंदर मजहबी आहंग वो है क्या का रंग है तो वो उसका उस अशार में उसका इजहार होने लग गया।
तो शायर जो है वो मतनव मजामीन जो है मतलब उसकी जिंदगी जिस तरह की होती है उसी तरह के उसके अंदर ख्याल और अफकार में जो है ना वो इजहार होता है। तो पाकिस्तान में मैंने भी इस पहले तो जाहिर है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के स्टूडेंट जी था हम तो इंटरनेशनल इंटर कॉलेजिएट मुशायरे इंटर यूनिवर्सिटीज मुशायरे पढ़ते थे तो हम भी गुलो बुलबुल की शायरी लोगों रुखसार की शायरी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जब हम मुताला बढ़ता गया मुशायदा बढ़ता गया तो हम भी उस रंग में रंगते गए रंगे गए और वालिद साहब से इस्लाह लेते रहे। फिर मैंने 2004-05 में असल में सियासी चूंकि टच भी था हमारी शायरी में अपोजिशन के लिए जब भी हम किसी जमात के साथ वाबस्ता होते थे या किसी जलसे में सियासी रंग भरते थे तो उसमें जाहिर है कि थोड़ी बहुत हरीफ की अजब भी करनी पड़ती है तो तबीयत में मिजाज तो था ही। तो उसको फिर मैंने गजल के पैराए में और इस मिजाज के पैराए में उसको ले आया और मैंने महसूस किया कि अब लोगों को हंसने की जरूरत है। मैं फिर इस तरफ निकल आया लेकिन मैंने वो रंग छोड़ा नहीं। मेरी नात की किताबें भी आती अच्छा, हंसने की तरफ आएंगे जी गजलों भी आती रही जी 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 बिल्कुल अच्छा हंसने की तरफ आएंगे लेकिन क्योंकि हमारे हमारी सोसाइटी भी बड़ी सख्त जिसको कहते हैं ना आजकल भी बड़ी सियासी है और आपने सियासी शायरी का जिक्र किया और अपोजिशन के हवाले से सियासी जो शायरी है या तंज मजाक निश्तर जो एक दूसरे पे बरसाए जाते हैं उसका जिक्र किया तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आजकल आप उस वक्त के दौर में जब कोई सख्त सियासी शायरी भी करता था अपने अपोजिशन के हवाले से तो भी उसमें एक एहतराम का अंसर शामिल होता था मतलब उसमें एक इंतहा की बदतमीजी या इंतहा का वो जो एक कहते हैं ना तमस्खर उड़ाना उस किस्म की चीज नहीं होती थी एक ढके छुपके अल्फाज में वो किया जाता था। अब आजकल के दौर को उस वक्त से आप कैसे कंपेयर करते हैं जब ये वैल्यूज में यकसर तब्दीली आ गई है और अल्फाज में और तरीकों में भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जैसे हमारे सियासतदानों की तकरीरों में तब्दीलियां आ गई हैं नारों में तब्दीलियां आ गई हैं इसी तरह शायरी में भी फक्कड़पन आ गया और हरीफ को यानी तमस्खुर उड़ाना उसके मजाक उड़ाना उसके खानदान को छेड़ना उसके मतलब है कि इस किस्म की हद तक कि गालियों तक की मतलब है कि मैं देख रहा हूँ कि शायरी में पाई जाती हैं गालियाँ तक पाई जाती हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना जी। उस जमाने में हमारे आज से 40-50 साल पहले यानी 70 का इलेक्शन मैंने देखा तो उसमें बड़ा ही अदब व एहतराम था एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आया जाता था कोई मतलब कि सियासी मुखालफत होती थी लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते थे। मुखालफत में और खिलाफ होने में बड़ा फर्क है तो मुखालफत करें लेकिन नजरियाती मुखालफत करें उसकी सियासी रवादारी करनी होनी चाहिए। पहले तो जनाजों में शरीक हो जाना एक दूसरे के साथ गम में और उसके खुशी में शरीक होना ये सब कुछ होता था जी। आपस में रिश्तेदारियां भी होती थी अब तो दुश्मनियों में बदल गई हैं जी। घर में लड़ाइयां हैं और बाप बेटा भाई बहनें आपस में सियासी हवाले से ही एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है जी और ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा हम कुछ जो है मैं चाहूंगा कि कुछ सियासी शायरी और कुछ गैर सियासी शायरी दोनों हो जाए भाई ठीक है पाबंदियां जो है वो अपनी जगह मगर शायरी तो शायरी है ना तो कुछ लेंगे। अच्छा तो जनाब तस्वीर साहब हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करते हैं पहले फोन कॉल ले लेते हैं एक और फिर उसके बाद शायरी की तरफ आएंगे। राणा तस्वीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर मेरी ये गुजारिश है सवाल है जी कि ये जो मौजूदा दौर जो जा रहा है महंगाई के हवाले से पेट्रोल को सामने रख के डीजल को सामने रख के स्मोक और हालात को सामने रख के इसमें क्या मजाहिया शायरी की गुंजाइश बनती है? सवाल तो बड़ा सख्त है आपका। हाँ, अच्छा सवाल है। जल्दी दो सवाल छोड़ जी ये शिफा यूसुफ जई इतनी छुट्टियां करती है इस पे कोई मजाहिया शायरी मिल सके हमें? ठीक है। तीसरा सवाल छोटा सा ये है कि इनके जो फेवरेट शायर कौन है जिनके ये सलमान साहब ठीक है अभी पूछते हैं जी फेवरेट शायर सर जनाब सलमान साहब आपका कौन है फेवरेट शायर? जी मेरे फेवरेट शायर जी दो तीन हैं जो इस वाले से के एक तो इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो इस वक्त अमेरिका में है उर्दू के मजाक के बहुत बड़े शायर हैं और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद अनवर मसूद साहब के बाद दूसरा नंबर ही उनका होता। तो एक तो मुझे अनवर साहब तो बहरहाल हमारे कप्तान हैं ही
लेकिन मैंने जनाब तो बिल्कुल सही बात है, तो उनका लेवल और से बहुत मुतासर। हाँ जी वो हाँ मेरे वो मजार में तो वो बहुत बड़ा नाम जबरदस्त शायर थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी उनका एक सवाल था कि महंगाई और उसमें क्या कहते हैं गरानी के दौर में मजाहिया शायरी आज के दौर में बिल्कुल हो सकती है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी जी। बात यह है कि ये भी तो एक अलम और फिक्र की बात है ना जी कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और उनके घरों में फाके हो रहे हैं और वो इस कदर परेशान है कि टेंशन की वजह से उनको बीपी हो गए हैं, किसी को शुगर होगी, किसी तो उनको हम जब इसके इसी हवाले से हंसाते हैं महंगाई के हवाले से ही तो कम अज कम कुछ लेवल तो उनका गम का और परेशानी का और वो टेंशन का कम होता है ना जी, तो उसमें हमारा हिस्सा पड़ जाता है। अब मैं अगर अर्ज करे तो इस पर कुछ तो अब सर कुछ आते हैं ना जरा कुछ गम और टेंशन को कम करने की तरफ, बल्कि पहले तो मैं चाहूंगा कोई कोई सियासी शायरी हो जाए जो कि जरा हमारे सियासी हालात की तरफ सियासी और फिर उसके बाद हमारी और आपकी गारंटी कोई नहीं है लेकिन मैं कर ले जी। चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, गुन गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन, गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन, और घर में हलवा मिलेगा रोज बनोगे जो मौलवी, हलवा मिलेगा रोज बनोगे जो मौलवी, घर घर मजे उड़ाओगे दावत के रात दिन, घर घर मजे उड़ाओगे दावत के रात दिन, जब से है मैंने छोड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट, जब से है मैंने छोड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन, और अर्ज करता हूँ कि आते हैं कब अर्ज करता हूँ कि सोया रहा असेंबली में 5 साल में, सोया रहा असेंबली में 5 साल में, आते हैं याद हाय वो फुर्सत के रात दिन, आते हैं याद आह रात दिन, आते हैं याद हाय वो फुर्सत के रात दिन। और 2-3 शेर जरा इसमें और भी आ गए हैं वो भी पेश कर देता हूँ इस गजल में कि पछता रहा हूँ चार चुड़ैलों से करके ब्याह, पछता रहा हूँ चार चुड़ैलों से करके ब्याह, हाय ये रात दिन है कयामत के रात दिन, हाय ये रात दिन है कयामत के रात दिन, और उस दिल रुबा हसीना ने जब से है ली तलाक, उस दिल रुबा हसीना ने जब से है ली तलाक, गिनता रहा फिर उसकी मैं इद्दत के रात दिन, गिनता रहा फिर उसकी मैं इद्दत के रात दिन, चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, गुन क्यों ना गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन, और सब लड़कियों ने मकता है कि सब लड़कियों ने मुझको है कर डाला अनफ्रेंड, सब लड़कियों ने मुझको है कर डाला अनफ्रेंड, गीलानी काट अब तू शराफत के रात दिन, गीलानी काट अब तू शराफत के रात दिन। तो इसमें आपने देखा होगा क्या बात है, क्या बात है, मिक्स्ड किस्म की शराफत के ही राज़ में पड़ेंगे बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा एक और आपकी थी वो आखर में जाना टैक्स वगैरह लगने का भी जिक्र किया था टैक्सों का। हाँ हाँ वो जो टैक्सों के जमाने में वो मैंने लिखी थी जब ये बड़े बजट आने वाले होते हैं ना, वो मेरे जेहन में इस वक्त नहीं है जी, लेकिन वायरल के वो होता रहता है। किसी हसीन के गाल पर भी टैक्स लग गया और
हाँ जी 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 हाँ बिल्कुल 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 तो बहरहाल मैं महंगाई और उसके हवाले से कुछ पेश करता हूँ। लेकिन अगर वो इस वक्त नहीं है तो कुछ और भी आप सुना सकते हैं सर। बिल्कुल आपका प्रोग्राम है, आप जो चाहे सुनाने लगा हूँ। जी जी मैं आपको पेश करने लगा हूँ कि अर्ज करता हूँ कि अर्ज करता हूँ कि वो जो है ना अब हमारी उम्र का भी कुछ तकाजा ऐसा है कि अब जहन में क्या कहते हैं कुछ चीजें जो है कोविड के बाद तो भूलना शुरू हो चुकी हैं काफी सारी। लेकिन बहरहाल मैं पेश करता हूँ कि तो तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है, तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लोहाए काफी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लोहाए काफी है और पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस, पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है, पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में, तवज्जो कीजिएगा खास शेर है एक किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाए फाए काफी है, तबाही के लिए बस एक वाए फाए काफी है, तबाही के लिए बस एक वाए फाए काफी है। और अर्ज किया है कि मुझे थी चाह काफी की, मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर, मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफी है, बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफी है बनाई, और निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मल मल करीम में भी, निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मल मल करीम में भी, बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। अब ये लाइफ बॉय वालों से आपने पैसे लेने हैं इसके, हाय हाय मार्केटिंग कर रहे हैं बिल्कुल, और आपको भी इसमें बुआए बिल्कुल बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है, और मेरी राय ना पूछो चार से शादी के बारे में, मेरी राय ना पूछो चार से शादी के बारे में, जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी है, जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी। अब इसको ग्रेज है, इससे शायरी में इसको ग्रेज कहते हैं क्योंकि ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये चवल मारी है मैंने कि जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी है, तो उससे ग्रेज करते हुए मकते में मैंने यूं किया है कि अरे सलमान ईश्वरिया है पुजारन गाय माता की, अरे सलमान ईश्वरिया है पुजारन
गाय माता की तेरे घर में जो है अल्लाह मियां की गाय काफी है तेरे घर में काफी है क्या बात है उसी से गुजारा कर जो अल्लाह पाक ने तुझे हलाल बीवी अता की हुई है तो बाकी रन मुरी क्या बात है क्या बात करते हैं दोस्त ये कथा सुन लीजिएगा कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है 40 kg से वो रन 140 kg हो गई नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है वाह 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 आमदन से बढ़ के है और सुनाए क्या ही बात है सर बात है जबरदस्त देखिए ये कुछ जो लम्हात होते हैं ये हमारे लिए बड़े जबरदस्त लम्हात होते हैं क्योंकि इसके अंदर गुफ्तगू शायरी अशार उर्दू जुबान हमारी खास तौर पर किस कदर खूबसूरती से बहुत सारी बातें कही जाती हैं सर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान गिलानी साहब आपका कि आपने वक्त दिया और हम चाहेंगे कि या तो हम लाहौर में हों तो आपसे दुबदू नशिस्त हो या आप इस्लामाबाद में हों तो फिर आपसे ये दुबदू नशिस्त हो बिल्कुल ताकि ज़रा खुलकर अच्छे तरीके से घुल मिल कर बात हो सर बहुत शुक्रिया आपका सर वक्त दिया आपने थैंक यू बहुत शुक्रिया सर